Kiran purchased an article for ₹5310, which includes 10% rebate on the marked price and 18% tax under GST on the remaining price. Find the marked price of the आर्टिकल. अब इस क्वेश्चन में सारी जो कैलकुलेशन है वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से है. कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है और कोई रिटेलर नहीं है, कोई शॉपकीपर नहीं है. तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि पूरा जो जीएसटी है वो हमारा कंज्यूमर पे कर रहा है. किसको? गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहा है, जिससे भी खरीद रहा है. ज्यादातर रिटेलर या शॉपकीपर होगा तो उसको वो पे कर रहा है. वो पूरा 18% है. हमें ये भी नहीं देखना कि भाई ये एसजीएसटी है कि सीजीएसटी है, स्टेट है, सेंट्रल, कुछ आपको नहीं देखना है. या इंटीग्रेटेड है, इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है. तो हमें कुछ सोचना ही नहीं. बस कंज्यूमर हमारा जो है वो मार्क प्राइस देखेगा. जो मार्क प्राइस होगा उस मार्क प्राइस पर उसे जो बेचने वाला है शॉपकीपर या रिटेलर वो 10% डिस्काउंट दे देगा. तो हम क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं कि मार्क प्राइस एमपी है. हम लोग यही बोल रहे हैं, लेट द मार्क प्राइस बी एमपी. एमपी भाई मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है? ओके, तो एमपी पे 10% का जब रिबेट मिलेगा तो भाई जो सेलिंग प्राइस होगा अब वो हो जाएगा 90/100 ऑफ एमपी. यही ट्रांजैक्शन प्राइस है जिस पर किरण और वो रिटेलर या शॉपकीपर अग्री कर रहे हैं कि भाई इतना पैसा पे डील होगी. अब इसको 18% बढ़ा दिया जाए तो आ जाएगा अमाउंट पेड बाय किरण. तो अमाउंट पेड बाय किरण क्या होगा? इस पर 18% इंक्रीमेंट के बाद तो 90/100 इंटू एमपी, और ये फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 118/100. अगर ये दिख नहीं रहा आपको तो मैं पढ़ के बता रहा हूं, 118/100. चलिए एक बार अच्छे से लिख ही देता हूं क्यों डाउट क्रिएट करें. तो ये अमाउंट पेड बाय किरण कितना हो जाएगा? ये एसपी मल्टीप्लाइड बाय 118/100, क्योंकि ये और बड़ा होगा. और ये ही जो अमाउंट पेड बाय किरण है वो कितना है? 5310. तो किरण पेड द अमाउंट इज इक्वल टू 5310, जो कि हमने अपने इस चार्ट से निकाला है वो है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 118/100 इज इक्वल टू 5310. इसी को और बड़ा कर लेते हैं, एसपी को भी ले आते हैं. 90/100 मल्टीप्लाइड बाय एमपी ऑल मल्टीप्लाइड बाय 118/100, ये हो रहा है 5310. अब क्या निकल आ रहा है इससे? भाई हम लोग कितना कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर लीजिए. एमपी इज इक्वल टू हो जाएगा 5310 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 118. ये सब कुछ आप सॉल्व करेंगे तो मार्क्ड प्राइस हमारा आ जाएगा कितना? ₹5000, ठीक है? So this is the final answer.